अनु प्रजापति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपी एजुकेशन हब। सो टुडे इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 3 बी ऑनर्स इंग्लिश। एज यू नो दैट योर सेमेस्टर 2 एग्जाम्स हैज फिनिश्ड एंड वेरी सून योर सेमेस्टर 3 विल स्टार्ट। सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट योर सिलेबस। सो हियर इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 3, इट्स मीन सेकेंड ईयर। सो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, साथ ही साथ जो आप लोगों के सिलेबस की पीडीएफ होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और इवन ऑन माय व्हाट्सएप, आई विल शेयर द पीडीएफ ऑफ द सेमेस्टर सिलेबस आल्सो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट द सिलेबस। सो गाइस देखो, आप लोगों के जो सेमेस्टर 3 में कोर पेपर्स हैं, कोर पेपर्स मतलब जो आप लोगों के इंग्लिश ऑनर्स के मेन पेपर्स हैं, इसके अलावा आप लोगों के सेक के पेपर होते हैं, जीई मतलब जेनरिक इलेक्टिव के पेपर होते हैं, डीएससी पेपर्स होते हैं और भी एग्जाम्स होते हैं। तो कोर एग्जाम्स वो होते हैं जो आप लोगों के इंग्लिश ऑनर्स के मेन एग्जाम्स है। तो इंग्लिश ऑनर्स के आप लोगों के इस सेमेस्टर में 3 मेन एग्जाम्स हैं, अमेरिकन लिटरेचर, पॉपुलर लिटरेचर एंड ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 17th एंड 18th सेंचुरी। ये तीनों आप लोगों के इस सेमेस्टर के कोर पेपर्स हैं। आप लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में सेमेस्टर 2 में ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा पढ़ा था टिल 17th सेंचुरी, बट इन दिस सेमेस्टर यू विल स्टडी ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा आफ्टर 17th सेंचुरी। सो लेट अस डिस्कस विच नॉवल्स वी हैव टू रीड अंडर दिस पेपर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द नॉवल्स और सिलेबस ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। सो गाइज, अमेरिकन लिटरेचर में आप लोगों को सबसे पहले पढ़नी है टेनेसी विलियम्स की क्लास मेनाजरी, देन टॉनी मॉरिसन की बिलावेट, ये नॉवल्स हैं, ये आप लोगों को पढ़नी है। देन यूनिट 3 आप लोगों की आती है पोएट्री। देखो आप लोगों की दो नॉवल्स हो गई हैं, ग्लास मेनाजरी एंड बिलावेट। उसके बाद आप लोगों की पोएम्स हैं वॉल्ट मिटमैन की ओ कैप्टन माई कैप्टन, देन एलन गिन्सबर्ग की अ सुपर मार्केट इन कैलिफोर्निया, लैंगस्टन ह्यूगस की आप लोगों की 3 पोएम्स हैं, द नीग्रो स्पीक्स ऑफ द रिवर्स, द साउथ एंड द आंट्स यूज स्टोरीज इन द वेरी ब्लूज। देन जोय हाजरो की आप लोगों को 2 पोएम्स पढ़नी है, परहैप्स द वर्ल्ड एंड्स हियर एंड आई गिव यू बैक। सो ये 4 पोएम्स जो हैं, मतलब टोटल आप लोगों को पोएट्री वाले पोर्शन में 4 पोएट्स की पोएट्री पढ़नी है। देन यूनिट 4 में आप लोगों की आती है शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज आप लोगों को पढ़नी है एडगर एलन पो की द परलॉइन लेटर, विलियम फॉकनर की ड्राई सेप्टेम्बर, फ्लैनरी और कॉनर की आप लोगों को शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है एवरीथिंग द ट्राइजेज मस्ट कन्वर्ज, एंड लेस्ली मार्मोन सिल्को की आपको पढ़नी है द मैन टू सेंड रेन क्लाउड्स। इसके अलावा कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स है, अगर आप लोग चाहते हैं हम जो सजेस्टेड रीडिंग वाले जो पोर्शंस है वो भी डिस्कस करें तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, बिकॉज जो आप लोगों के सिलेबस की नॉवल्स हैं वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ही करूंगी, डिस्कस करूंगी, बट इफ़ यू गाइज वॉन्ट की सजेस्टेड टॉपिक्स भी हम डिस्कस करें, बिकॉज जब हम एग्जाम्स में आंसर्स लिखते हैं ना तो जो सजेस्टेड टॉपिक्स वाले टॉपिक्स होते हैं वो हमें पता होने चाहिए, जिससे कि हम जो आंसर्स होते हैं उन्हें ईजिली लिख सके। सो गाइज ये तो हो गया आप लोगों का अमेरिकन लिटरेचर का सिलेबस। नाउ विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। सो पॉपुलर लिटरेचर में आप लोगों की यूनिट 1 है लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। देखो पॉपुलर लिटरेचर जो है ना उसमें अलग अलग जेनराज की पोएम दे रखी है, जैसे चिल्ड्रन से रिलेटेड एक जेनरा है लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन वो दे रखी है। इसमें आप लोगों के 2 टॉपिक्स हैं, लुईस कैरोल की थ्रू द लुकिंग ग्लास, ये सच में बहुत ही वंडरफुल नॉवल है, बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड देन सुकुमार राय की द सन्स ऑफ रोगमारो एंड स्ट्यू मच। सो गाइज आप लोगों की पॉपुलर लिटरेचर की जो यूनिट 1 है उसमें फर्स्ट टॉपिक है लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन, उसके आपको पढ़नी है लुईस कैरोल की थ्रू द लुकिंग ग्लास एंड सुकुमार राय की द सन्स ऑफ रोगमारो एंड स्ट्यू मच। देन अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो इसमें आप लोगों को आता है डिटेक्टिव फिक्शन, इसमें आपको पढ़नी है अगाथा क्रिस्टी की द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड। देन यूनिट 3 है साइंस फिक्शन, इसमें आपको पढ़नी है आइसेक एसिमोव की नाइटफॉल एंड अर्सुला ले गुइन की द वंस हु वॉक अवे फ्रॉम ओमिलास। देन फिलिप के डिक की माइनॉरिटी रिपोर्ट, रे ब्रैडब्यूरी की अ साउंड ऑफ थंडर, जयंत नार्लिकर की आइस एज कॉमेट, ये 5 आप लोगों को साइंस फिक्शन पढ़नी है अंडर यूनिट 3 ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। देन यूनिट 4 में आप लोगों को पढ़नी है ग्राफिक फिक्शन, इसमें आपको पढ़नी है भीमायना एक्सपीरियंसेस ऑफ अनटचेबिलिटी। इसके अलावा सेम आप लोगों को कुछ सजेस्टेड टॉपिक्स, सजेस्टेड रीडिंग्स हैं अंडर पॉपुलर लिटरेचर, वो भी आप लोगों को पढ़नी इंपॉर्टेंट होती है सो दैट यू कैन राइट योर आंसर्स। देन योर नेक्स्ट पेपर इज ब्रिटिश ड्रामा एंड लिटरेचर 17th एंड 18th सेंचुरी। सॉरी यहाँ पर आना था 17th एंड 18th सेंचुरी।
सो इसमें आपको यूनिट वन में पढ़नी है विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ। ये मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है, पूरी नॉवल ये मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है मैकबेथ। इसका इंट्रोडक्शन, मेन कैरेक्टर्स, कंप्लीट समरी, एक्ट वाइज, सीन वाइज समरी, एवरीथिंग आई हैव अपलोडेड। देन यूनिट टू में आप लोगों को पढ़ना है पैराडाइज लॉस्ट। आप लोगों को पैराडाइज लॉस्ट पूरी नहीं पढ़नी है, पैराडाइज लॉस्ट की बुक वन पढ़नी है। पैराडाइज लॉस्ट लिखी है जॉन मिल्टन ने। देन यूनिट थ्री में आप लोगों को पढ़नी है द रोवर, इसको लिखा है आफ्रा बैन ने। देन यूनिट फोर है आप लोगों की अलेक्जेंडर पॉप की द रेप ऑफ द लॉक। यूनिट फाइव में आपको पढ़नी है फ्रांसिस बेकन की ऑफ ट्रूथ एंड ऑफ डिफॉर्मिटी। देन रेने डेस्कैरेट्स की आप लोगों को पढ़नी है डिस्कोर्सेस ऑन मेथड। देन थॉमस हॉबस की पढ़नी है द लेविएथन। थॉमस हॉबस की जो द लेविएथन है वो आप लोगों को पूरी नहीं पढ़नी है, इसका टाइटल पेज पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, चैप्टर वन एंड थर्टीन पढ़ना है फ्रॉम पार्ट वन। देन गेरार्ड विंस्टन ले की आप लोगों को पढ़नी है अ न्यू ईयर्स गिफ्ट सेंट टू द पार्लियामेंट एंड आर्मी। देन मार्गरेट केवेंडिश की आप लोगों को पढ़नी है द ब्लेजिंग वर्ल्ड। और उसके अलावा सिमिलरली इसमें भी आप लोगों के कुछ सजेस्टेड टॉपिक, सजेस्टेड रीडिंग्स है जो आपकी आप लोगों को पढ़नी है। सो गाइस, ये था आप लोगों का सिलेबस ऑफ इंग्लिश ऑनर्स फॉर सेमेस्टर थ्री। हियर इन दिस सेमेस्टर यू हैव थ्री पेपर्स, अमेरिकन लिटरेचर, पॉपुलर लिटरेचर एंड ब्रिटिश ड्रामा 17th एंड 18th सेंचुरी। एंड जो भी आप लोगों को इन पेपर्स के अंडर नॉवल्स पढ़नी है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है एंड उनको मैं अपने चैनल्स पर भी अपलोड करती रहूंगी। इस सिलेबस में से मैंने अब तक सिर्फ एक ही नॉवल जो है वो अपलोड की है अपने चैनल पर मैकबेथ। उसका आप लोगों को मेरे चैनल पर एक एक चीज मिल जाएगी एंड वेरी सून आई विल अपलोड ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ दिस सेमेस्टर। सो गाइज, आई होप आप लोगों को सिलेबस क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को इस सिलेबस की पीडीएफ चाहिए, कोई भी डाउट है, देन यू गाइज कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज एंड ऑल्सो ऑन माई व्हाट्सएप। आई शेयर द लिंक ऑफ बोथ द थ्री इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइज, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें सो दैट उन्हें भी सिलेबस पता लग सके। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।